हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। स्वागत है आपका मेरे चैनल गुड्डू द वेट्स कंपनी में। ये जो गाय आप देख पा रहे हैं, जब मैंने इसका हिस्ट्री पूछा तो किसान का कहना था कि ये पिछले 17-18 दिनों से अपने एक पैरों से लंगड़ा रही है, अपने पैरों पे वजन नहीं रख पा रही है। फिर मैंने पूछा कि क्या ये प्रेगनेंट है, तो किसान का कहना था कि नहीं, ये प्रेगनेंट नहीं है, ये इसने 2 महीने पहले बच्चा दी थी, और ये जब बच्चा दी थी तब इसका दूध 15 लीटर था। लेकिन जब से इसको ये समस्या हुआ है, जब से ये अपने पैरों से लंगड़ा रही है, तब से खाना पीना भी इसने कम कर दिया है और इसका दूध उत्पादन क्षमता मात्र 4 लीटर पे आ गया है। इस गाय का 2 डॉक्टरों ने इलाज भी किया था पहले से, लेकिन उनके इलाज से इसको कोई रेस्पॉन्स देखने को नहीं मिला था। इसको पहले से बेरेनील भी लग चुका था। चूंकि ये 15 दिनों से बीमार थी, तो हमने इसके हर पैरामीटर को ध्यान में रखते हुए इसका जाँच किया। इसके आँखों के म्यूकस मेम्ब्रेन को चेक किया, फिर इसके डिहाइड्रेशन को चेक किया, इसके अलावा इसके बल्बर लिप्स के म्यूकस मेम्ब्रेन को भी हमने चेक किया। ये सब तो लगभग लगभग ठीक ठाक था। देखिए, हर डॉक्टर ने अपने हिसाब से इसका इलाज किया। हर किसी को इसका लंगड़ापन दिखता था, लेकिन किसी को इसका न्यूरो सिस्टम का प्रॉब्लम नहीं दिखता था। जो मसल रिलेटेड प्रॉब्लम होता है, इसमें उसका भी ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन किसी ने इसके तरफ ध्यान नहीं दिया। और हमने इसके हर एक पैरामीटर को ध्यान में रखते हुए इसका इलाज किया। और हमने इसमें क्या क्या इलाज किया, तो देखिए, सबसे पहले हमने इसमें एक एंटीबायोटिक दिया। मेरा इस पे बहुत अच्छा खासा पकड़ है लंगड़ेपन पे। इसमें सबसे अच्छा एंटीबायोटिक काम करता है डीसीआर। हमने इसमें दिया 5 ग्राम, जिसको हम लोग डाइक्रिस्टिसिन एंटीबायोटिक बोलते हैं, लो जो पेनिसिलिन कहता है, डाइक्रिस्टिसिन हमने इसमें दिया 5 ग्राम। इसके अलावा इसमें हमने दिया आर्टिजोन एस 25 ml, जो फिनाइल ब्यूटाजोन का आता है उसको। इसके अलावा हमने इसको दिया ट्राइबीबेट B1 B6 एंड B12 का जो कॉम्बिनेशन आता है उसको, ट्राइबीबेट हमने इसमें दिया 25 ml। इसके अलावा हमने इसमें दिया मेकोवेट एक्सेल, जो मिथाइल कोबालामीन का आता है, मेकोवेट एक्सेल हमने दिया 15 ml, और ट्राइबीबेट और मेकोवेट एक्सेल को हमने IV दिया। DCR को हमने इंट्रामस्कुलर दिया, आर्टिजोनेस को हमने इंट्रामस्कुलर दिया। इसके अलावा हमने जिसको दिया प्रेडनिसोलोन हमने इसमें दिया 10 ml। इसके अलावा हमने इसको दिया हाइबिट प्लस हमने इसको 10 ml दिया। और उनको फॉलोअप में लिख कर आएँ टैबलेट न्यूरोबियन पोर्ट, 5 टैबलेट सुबह और 5 टैबलेट शाम, और टैबलेट जीरोडोल SP जो दर्द के लिए आता है, एक एनाल्जेसिक आता है, उसको भी 5 टैबलेट सुबह और 5 टैबलेट शाम।